नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। इस समय डीसी कार्यालय उधमपुर के बाद जो है बहुत बड़ा हंगामा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जमीनों का मसले को लेकर जो है जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आज बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से जो है उधमपुर डीसी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जहाँ पर जो है जुगल किशोर शर्मा जी पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं वो भी जहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता जो है जहाँ पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी संख्या में सैकड़ों की तैदाद में जहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां पर मैं आज का जो प्रोटेस्ट था वो किस मसले को लेकर था और अभी आप डीसी मैम से भी मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? देखो, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से रियासत भर में आज़ाद साहब के डायरेक्शन पे ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो गरीब लोगों की ज़मीनें सरकार जो हड़पने की कोशिश कर रही है उसको लेके, जैसे डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में हुआ, कश्मीर में हुए, रजौरी पुंछ में हुए, जम्मू में हुए, उसी प्रकार से जो है उधमपुर में भी आज जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जो उधमपुर की टीम थी जिसमें हमारे सीनियर नेता जो हैं ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, प्रीति खजूरिया जी हैं और हमारे जितने भी सारे साथी हैं, कुलदीप मनहास जी हैं, आर के दत्ता जी हैं, सारी टीम ने मिलकर जो है एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है और उन गरीब लोगों की सपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट किया है। देखो, सरकार की तो नीतियाँ आपको पता ही है, महंगाई इतनी कर दी है, बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को नौकरियाँ नहीं है, डेली वेजर खजल हो रहे हैं, पूरी रियासत में बिजनेसमैन खजल हो रहे हैं, हर तरफ से लोगों को दुख है और उसके ऊपर ये कानून इस तरीके का लगा देना, जो लोग 70-70 साल से 50-50 साल पे ज़मीनों पे गांव में देहातों में बैठे हुए हैं उनमें एक पैनिक फैला दिया है इस सरकार ने और लोगों को डर है कि ये हमारी तो ज़मीनें सरकार ले लेगी वापस, तो लोग जाएंगे कहाँ? आज आप देखो पंचहरी के इलाके में, मोगरी के इलाके में और दूर दराज डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, हमारे चनैनी के इलाके हैं जहाँ बर्फबारी हो रखी है, तो लोगों को दूसरा डर सता रहा है इनके फरमान का जो इन्होंने उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हम ये सरकार से ये चाहते हैं, आज़ाद साहब की ये मंशा है कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए और उसी को लेके जो है आज हम डीसी मैडम को, सारी हमारी जम्मू कश्मीर से पूरी टीम यहाँ पे आई थी जिसमें हमारे जीएम सरूरी साहब, जुगल किशोर जी जो हमारे प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं, ऑल जनरल सेक्रेटरीज हैं, महिलाएँ हैं, पूरी टीम जो है हमारी जम्मू से वो यहाँ पर आई और हमने सारों ने मिल के यहाँ पर जो है एक अच्छा प्रोटेस्ट किया और डीसी साहब को जो है मैडम जो हमने दिए। मेरे साथ अभी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के और भी नेता हैं, सर विनोद मिश्रा जनरल सर, डीएपी सर, के आज का जो प्रदर्शन था वो किस मुद्दे को लेकर था और अभी क्या आश्वासन मिला है डीसी मैम से? अभी हम जस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन उधमपुर से मिले, ये जो हमारे हॉनरेबल एलजी साहब हैं इन्होंने एक ऐसा पिछले महीने एक ऑर्डर निकाला है, जिनके पास गवर्नमेंट लैंड है वो इमीडिएटली एक महीने के अंदर उसको वकेट करो, लेकिन हमने आज़ाद साहब की ज़ेरे क़यादत में जो हमारे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जेएंडके का, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने सांबा में किया, कठुआ में किया, रजौरी में किया, पुंछ में किया, रामबन में किया, किश्तवाड़ डोडा में किया, आज उधमपुर में है। हम माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब को आज यहाँ से उधमपुर से हम उनको अपील करते हैं कि जो लोग आगे, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लेकिन कुछ हमारे जो लोग हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी, जो हमारे सौ साल से काश्तकार है, जिनकी पुरानी ज़मीनें हैं जिसमें वो आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, पालक लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, कड़म लगाते हैं, ये अपनी जीविका जो है, अपनी जो किचन जो है, सब्जियाँ उगा के, आटा चावल उगा के तो ये अपना गुजर करते थे, ये गुजर करते थे, लेकिन एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि इन गरीब गुरबे लोगों को, इनको खबरदार, इनको नहीं हटाया जाए, इनकी ज़मीनें इनसे नहीं छीनी जाए, हमारी अपील है। हम दोबारा अपील करते हैं माननीय मनोज सिन्हा साहब एलजी साहब से कि जो हमारे गरीब गुरबे लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जो हरिन भाई हैं, गुजर भाई हैं,
हर फिरके के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, ओबीसी हैं, सब लोग जो हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जी हम एलजी साहब से अपील करते हैं। सर अभी आपके कुछ लोग जो हैं डीसी मैम से भी मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में? हमें अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन जो हमारे माननीय मैडम से हम मिले, हमने उनसे उनको मेमोरेंडम दिया, उनसे रिक्वेस्ट की, हमने प्रार्थना की कि आप हमारे जो इन डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो जो आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्होंने अश्विनी खजूरिया जी की जरिए क़यादत में हुआ, जिसमें हमारे ऑफिस बेरर हमारी डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी के सब यहाँ पे आए हुए थे। हम अभी वी हैव जस्ट मेट टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन उधमपुर, हमने उनको मेमोरेंडम सबमिट किया। मेमोरेंडम में हमने बोला कि आप हमारे इन लोगों के ये जो जिनके पास गवर्नमेंट स्टेट लैंड है, जो अपनी गुजर करते हैं, आलू लगाते हैं, कड़म लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, दो दो पाँच पाँच दस दस बीस बीस कनाल जमीन है, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो हमने उनको बोला हमारे सेंटीमेंट्स आप एलजी साहब तक पहुंचा दीजिए कि ये इन लोगों के जो आशियाने भी हैं उनको भी डिमोलिश नहीं किया जाए, क्योंकि जो SROs बने हैं कि गवर्नमेंट जो है कई बार गवर्नमेंट लैंड पे जिन्होंने मकान बनाए हैं उनको रेगुलराइज किए हैं, कॉलोनी रेगुलराइज किया है, ये एक्ट है कि गवर्नमेंट जो है ये रेगुलराइज कर सकती है कॉलोनियाँ, उसके साथ जब ये कॉलोनियाँ रेगुलराइज करेंगी, रेट फिक्स करेंगी ये गवर्नमेंट जब, तो इन लोगों के आशियाने भी महफूज हो जाएंगे और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा। हमारी पुरजोर अपील है एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, जो आज का डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमारा पीसफुल हुआ, हमने डीसी साहब को बोला यहाँ पे कि इन हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं, इन लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, हर फिरके के लोग यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंस्पेक्ट ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन हर फिरके के लोग हैं, हम सेकुलर लोग हैं, आजाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सेकुलर पार्टी है, और ये जो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आप एलजी साहब तक हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं ये बात जो है ये उन तक उनको पहुँचा दीजिए, ये आज हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन से मिले। तो ये थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से जहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर लोग पहुँचे हैं और जहाँ पर साथ ही साथ GM सरूरी साहब भी पहुँचे हैं और जुगल किशोर शर्मा जी जहाँ पर पहुँचे हैं और विनोद मिश्रा जी जहाँ पर जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी जहाँ पर पहुँचे हैं, जिनसे हमने बातचीत की, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहाँ पर किसी भी खत जो गरीब लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी DC कार्यालय के बाहर जो है सैकड़ों की तादाद में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लोग जो हैं जहाँ पर पहुँचे हैं और इनका यही कहना है कि जो भी गरीब लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं वो नहीं छीनी जाए। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ, मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।